ः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम भगवान उवाचा तम ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है पिछले एपिसोड से श्रीमत के महत्व को स्पष्ट करने वाले दोष लोगों को टैगलाइन के रूप में रखा गया है श्रीमत से बढ़कर इस संसार में कोई मत नहीं है क्योंकि यह स्वयं भगवान ने दिया है शास्त्रों का अध्ययन करते हुए धार्मिक गुरुओं या विशिष्ट व्यक्तियों की प्रवचनों को सुनते हुए भी हम आज तक यह नहीं समझ पाए हैं कि भगवान समस्त मानव जाति को ऊंचे थे ऊंचा बनाने के लिए दी गई श्रीमत क्या है और उसे जीवन में कैसे उतारे इस महत्वपूर्ण तत्व को वे ही आसानी से जान सकते हैं जो इन गीता के श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहरे तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं इस गुह्य सत्य को गीता प्रेमी किसी भी हालत में अनदेखा नहीं कर सकते गीता प्रेमियों को इन टैगलाइन श्लोकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो हम हर एपिसोड की शुरुआत में चलाते हैं पिछले 28 एपिसोड्स में अब तक हमने सात श्लोक टैगलाइन के रूप में रखे हैं। क्या है वह नवे अध्याय में पहला श्लोक अठारह अध्याय में अड़सठ और उनहत्तर सातवा अध्याय में दूसरा और तीसरा श्लोक तीसरा अध्याय में इकतीस और बत्तीसवा श्लोक आगामी एपिसोड्स में भी इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए गीता के पाँच सौ चौहत्तर भगवान वाच श्लोकों में महत्वपूर्ण श्लोकों को टैगलाइन के रूप में रखा जाएगा जो गीता में छुपे हुए आध्यात्मिक पहलू को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं भक्त हो या जिज्ञासु और गीता प्रेमी जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इन श्लोकों में प्रकट गहरे तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझना होगा तभी मेरे जीवन के उत्थान के लिए ही यह गीता ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है इस बात पर वह निश्चय बुद्धि हो जाएंगे और शत प्रतिशत वह अपना जीवन श्रेष्ठ सुखदायी दिव्यता संपन्न बनाएंगे भगवान वाचा कार्यक्रम की इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य यही है कि यह भगवत गीता हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में कितनी महत्वपूर्ण है इस सच्चाई को सभी सच्चे भक्तों के ध्यान में लाना है जो भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं क्योंकि जैसा अध्याय तीसरा श्लोक में स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है कि केवल कुछ ही तत्वाभिलाषी ही भगवान का वास्तविक परिचय और प्राप्ति को पाते हैं। इस सुंदर कार्यक्रम को आपके सामने लाने के लिए ब्रह्मा कुमारी को तहे दिल से धन्यवाद देकर इस एपिसोड में अपनी चर्चा शुरू करते हैं पिछले तीन एपिसोड्स में हमने विस्तार से श्रीमत पर चर्चा की है जो स्वयं भगवान ने सभी मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रकट की है हमने यह भी जाना है कि श्रीमत कई गुणा मनुष्य मत से श्रेष्ठ है यह सिद्ध करने के लिए आपके सामने सोलह स्पष्ट प्रमाण अर्थात सबूत रखे थे इस संबंध में किसी भी तरह की शंका संदेह होना ही नहीं चाहिए फिर भी यदि कोई हो तो हमें इन वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताए और हम पर्याप्त सबूत के साथ आपके संदेह समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे हमें उम्मीद है कि गीता प्रेमियों को इन चर्चाओं के माध्यम से स्वयं भगवान ने गीता में बताए गए दो महामंत्रों पर विशेष ध्यान गया होगा लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी तक गीता के पठन पारायण श्रवण और प्रचार प्रसार की गतिविधियों में बहुत काल से लगे हुए लोग भी इन दो महामंत्रों को यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं क्या है वह दो महामंत्र मनमना भव और महामेकम शरणम व्रज जो लोग इन दोनों महामंत्रों में भगवान द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अपने जीवन में अमल में लाते हैं वे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं इस संबंध में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है 145 देशों में विभिन्न धर्मों या संप्रदायों के 20 लाख ब्रह्म कुमारी साधक इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी है वे इन दो महामंत्रों को प्रैक्टिकल जीवन में अपनाते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं जिन्हें इस बात का सबूत चाहिए वे स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर इस सत्य को देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं इतने लाखों की संख्या में लोग एक ही श्रीमत का पालन कर चल रहे हैं शायद ही ऐसा कहीं देखने को मिलता है एक बार बुद्धि नेत्र खोलकर इस बात को समझने की कोशिश करे हमारे जीवन को मौलिक और व्यापक रूप से बदलने की शक्ति इन दो महामंत्र में है सिर्फ अपने बुद्धि नेत्र को जगाना काफी है इन दो महामंत्रों से पता चलता है कि श्रीमद वास्तव में भगवान द्वारा 574 भगवान वाच श्लोकों के माध्यम से प्रकट हुआ अनमोल खजाना है जिसे हमारा जीवन भी अनमोल बनता है यह दो महामंत्र हमें क्या सिखाते हैं मनमनाभव का अर्थ है कि आपका मन मुझ पर स्थिर होना चाहिए मामेकम शरणम व्रज का अर्थ है कि समस्त मानव जाति के लिए अर्थात इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों के लिए मैं ही एकमात्र भगवान हूं और केवल मेरी ही शरण लेनी चाहिए इन दोनों मंत्रों में मुझ पर मई ही और मेरी शरण शब्द स्पष्ट रूप से इस महान सत्य को सारे संसार के सामने रखते हैं कि समस्त मानव जाति के लिए एक ही भगवान है ये महामंत्र दो विशेष गुह्य सत्यों को प्रकट करते हैं पहला गुह्य विषय है जो लोग आत्मा मन और बुद्धि की सूक्ष्म शक्तियों को यथार्थ जानते नहीं और पूरी तरह मैं शरीर हूं इसी धारणा के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे दूसरी गुप्त सत्य भले ही भगवान ने स्वयं स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि भगवान इस सृष्टि में सभी मानव जाति के लिए एक है उस घोषणा पर जिन लोगों को विश्वास नहीं है वे भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले गीता प्रेमी इन दो रहस्यमय सत्यों की किसी भी परिस्थिति में अनदेखा नहीं कर सकते केवल आत्मा मन और बुद्धि की सूक्ष्म शक्तियों के माध्यम से भगवान पर बलिहार होने से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इस बात की पुष्टि करने वाले ज्ञान रतन तुल्य शब्द जो गीता के 20 श्लोकों से चुने हुए हैं, वह शब्द रतन आपके समक्ष रख रहे हैं तीसरा अध्याय तीसवा श्लोक मई सर्वाणी कर्माणी संध्यात्म चेतसा चेतसा का अर्थ है मन अर्थात हर कर्म मुझे मन से अर्पित किया जाना चाहिए पांचवाध्याय छब्बीसवा श्लोक यत चेतसाम चेतसाम मन मन इस शब्द का अर्थ है जो मन को जीत लेते हैं पांचवाध्याय अट्ठाईसवा श्लोक यतेन्द्रिय मोक्ष पारायण मनोबुद्धि मन मन और बुद्धि इन शब्दों का अर्थ है कि इंद्रियां मन और बुद्धि को संयमित करते हुए उस एक भगवान पर लगाना है जो मोक्ष अर्थात मुक्ति प्रदान करते हैं अध्याय दसवा श्लोक जुंजीत सततम आत्मान आत्मान मन आत्मा इसका अर्थ है निरंतर आत्मानुभव के माध्यम से मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थिर रखना छठा अध्याय बारहवा श्लोक एकाग्रम मन कृत्वा मन मना मन इन शब्दों का अर्थ है मन की एकाग्रता से ही आत्मा शुद्ध होती है छठा अध्याय चौदहवा श्लोक प्रशांत आत्मा मन संयम्य मच्चित्तो मन संयम मना मन को नियंत्रित करना इन शब्दों का अर्थ है कि भक्तों को शांत और निश्चल मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए अध्याय पंद्रहवा श्लोक युंजन एवं सदात्मान नियतमानसा सदात्मान माना सदा आत्मिक स्थिति में स्थित होना नियतमानसा माना नियंत्रित मन इन शब्दों का अर्थ है कि व्यक्ति को आत्मानुभव करते हुए हमेशा नियंत्रित मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए छठा अध्याय अठारह श्लोक यदा विनियत चित्तम विनियतम चित्तम माना नियंत्रित मन इन शब्दों का अर्थ है पूरी तरह से नियंत्रित मन के साथ छठा अध्याय पच्चीसवा श्लोक बुद्धिया ध्रुतिगृहितया आत्मसंस्ता मन कृत्वा बुद्धवा मन कृत्वा मन बुद्धि नेत्र खोलकर मन को परमात्मा में लगाना और द्रुति गृहितया का अर्थ है इस कार्य को दृढ़ संकल्प के साथ करना इन शब्दों का अर्थ है मन और बुद्धि को दृढ़ संकल्प के साथ भगवान पर स्थिर करना चाहिए सातवा अध्याय तीसवा श्लोक युक्त चेतसहा चेतसहा मना मन इन शब्दों का अर्थ है कि मन को भगवान पर स्थिर करना चाहिए आठवाध्याय सातवा श्लोक मई अर्पित मनोबुद्धि मनोबुद्धि माना मन और बुद्धि इन शब्दों का अर्थ है मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए अध्याय आठवा श्लोक चेतसा नान्य चेतसा माना मन इन शब्दों का अर्थ है मेरे अलावा किसी और पर अपना मन न लगाए दसवा अध्याय नवे श्लोक मचित्ता मदगत प्राणा चित्तमना मन इन शब्दों का अर्थ है आत्मा अनुभव के माध्यम से मन को भगवान में स्थिर करना चाहिए अब आएंगे बारवा अध्याय दूसरा श्लोक मयावेश मनो ये माम मनोमना मन इन शब्दों का अर्थ है अपना मन को भगवान में केंद्रित करना बारह अध्याय सातवा श्लोक मैयावेश चेतसाम चेतसाम माना मन इन शब्दों का अर्थ है तेरे मन मेरे में लगाओ अध्याय नव श्लोक अतचित्तम चित्तम समाधा तुम चित्तम माना मन इन शब्दों का अर्थ है अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ अध्याय ग्यारहवा श्लोक यथात्मवान मन आत्मिक स्थिति में रहना इन शब्दों का अर्थ है आत्मिक अवस्था में स्थित होना अध्याय चौदहवा श्लोक मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समय प्रिय मनोबुद्धि मना मन और बुद्धि इन शब्दों का अर्थ है जो भक्त अपने मन और बुद्धि भगवान को अर्पित करते हैं वे ही भगवान को प्रिय लगते हैं अठारह सत्तावनवा श्लोक चेतसा सर्वकर्माणि कर्माणी बुद्धिर्योगश्रित्य मच्चित सततम भवा चेतसा माना मन बुद्धि योग माना बुद्धि द्वारा चित्ता मन मन इन शब्दों का अर्थ है कि मन और बुद्धि जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं उनके माध्यम से भगवान पर बलिहार हो जाना चाहिए अठार अध्याय अठावन व श्लोक मच्छित सर्व दुर्गा चित्तमना मन इन शब्दों का अर्थ है सभी दुखों से मुक्त होने के लिए मन से मुझ एक भगवान को ध्यान करना चाहिए हम आपके ध्यान में और एक सुंदर श्लोक लाते हैं जो इस सत्य को ढंके की चोट के साथ सिद्ध करता है यह अध्याय में दूसरा श्लोक है आइए पहले वह श्लोक सुने मनो नित्य युक्ता मह्याहवेश्य मनोये मां नित्ययुक् इस श्लोक के द्वारा भगवान हमको पांच महत्वपूर्ण बातों पर हमारा ध्यान किंचवा रहे हैं पहले विषय मये और माम शब्द इस सत्य को दोहराते हैं कि भगवान एक है दूसरी विषय मन आवेश इसका अर्थ है कि मन को उस एक भगवान में पूरी तरह से एकाग्र करना चाहिए तीसरी विषय युक्ता उपासते यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है भक्तों को हमेशा के लिए भगवान के साथ संबंध होना चाहिए ना कि केवल कुछ मिनटों कुछ घंटों या कुछ दिनों जैसा हम वर्तमान में देख रहे हैं अर्थात निरंतर परमात्मा की याद में रहना है चौथा विषय परया श्रद्धया उपेता इन शब्दों का अर्थ है भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्ण भक्ति अर्थात अटूट या दृढ़ विश्वास के साथ होनी चाहिए पांचवा विषय युक्त तमा इसका अर्थ है कि मैं ऐसा भक्तों को ही सर्वोच्च मानता हूँ इस श्लोक का अर्थ समझे मैं केवल उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ भक्त मानता हूँ जो परम भक्ति और अटूट विश्वास के साथ अपने मन को लगातार मुझ पर केंद्रित करते हैं इस श्लोक में वर्णित मयी माम मन आवेश नित्य युक्ता उपासते परया श्रद्धया उपेता यह चार मूल सिद्धांत जो स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए हैं, वह केवल पढ़ने सुनने और सुनाने तक नहीं बल्कि आचरण में लाने से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं परंतु आज के समय के भक्त इस बात को पूरी रीति से पालन नहीं करते भक्तों को भगवान में अत्यंत श्रद्धा और अटूट विश्वास कब होता है जब स्वयं भगवान घोषणा कर रहे हैं कि मैं सर्व मनुष्यों का एक ही भगवान हूं तो उनका पूर्ण ज्ञान अर्थात उनके नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य और संबंध के बिना उनके प्रति निरंतर एकाग्रता और परम भक्ति कैसे हो सकती है क्या भक्तों ने कभी इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर पाने का प्रयास किया है अपने विवेक बुद्धि को जागृत कर इस बात पर अंतर्मुखी हो गहरा चिंतन कर क्या सही क्या गलत वह समझना चाहिए इस संदर्भ में गीता तत्वाभिलाषियों को जरूर याद रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान साकार है या निराकार है इस दुविधा से भी खुद को मुक्त करना जरूरी है मेरे जीवन को बेहतर बनाने के एकमात्र उद्देश्य से स्वयं भगवान ने गीता के माध्यम से अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी है इस बात को अनदेखा करना व हल्का लेना कितना उचित होगा हर कोई जो भगवान से प्रेम करते हैं, गीता में आस्था रखते हैं उनसे इस पर गंभीरता के साथ चिंतन करना जरूरी है इस एपिसोड में चर्चा के माध्यम से हमें इस सच्चाई का एहसास हुआ होगा कि भगवान की प्राप्ति केवल आत्मा अनुभूति और मन बुद्धि उन पर एकाग्र करने से ही हो सकती है जो लोग इस सूक्ष्म और मूल सत्य को भूलकर मैं शरीर हूं के ब्रह्म में जीवन व्यतीत करते हैं वे कदापि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे गीता या किसी अन्य धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में ऐसा कोई विशेष प्रमाण या सबूत तो नहीं मिलते हैं, जिसमें यह माना जा सके कि शरीर के ब्रह्म में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ऐसा सोचना अंधविश्वास या मूड विश्वास का जीवन जीना होता है गीता प्रेमियों को इस बात को कदापि हल्के में नहीं लेना चाहिए आइए इस एपिसोड में चर्चा को यही समाप्त करते हैं श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें इस धरती पर स्वयं भगवान द्वारा उच्चारे गए महावाक्य है इसके बारे में कोई संदेह नहीं है आश्चर्य का विषय है कि जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को भली भांति पढ़ लिया है और जो लोग गीता का व्यापक रूप से प्रचार करते हैं वे भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सके इससे यह बात जाहिर होती है कि वे लोग गीता में छुपे अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य और इसके द्वारा प्रकट गहन तत्व को ही नहीं समझ पाए हैं। जिन्होंने इन रहस्यों को समझा है अनुभव किया है केवल उन्होंने ही भगवान के परिचय को यथार्थ जाना है और उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान को पूरी तरह से समझ लिया है वे ही अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे आगामी एपिसोड में हम कुछ ऐसे श्लोक के विश्लेषण करने जा रहे हैं जो भगवान को प्राप्त करने की विधि विधान को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं हम दोबारा मिलने तक सभी को नमस्कार लोका समस्ता सुखिनो भवंतु ओम शांति